हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक क्विज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी 5 में ओरियो अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पूछ रहे हैं। जो कि कल की वीडियो डाली थी उसमें ही पूछा था कि रेडमी 5 में ओरियो का अपडेट कब तक आएगा और नेक्स्ट अपडेट कब तक आएगा। तो इसके लिए आपको जो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, 2 मिनट की वीडियो होगी, 2 या 3 मिनट की वीडियो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो कि पहले से ही ओरियो का अपडेट जो कि आ चुका है, मुझे तो बस ये बताना है कि आपको जो है अपडेट कब मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ रेडमी 5 में ओरियो के अपडेट के बारे में, और जो कि आपको पता होगा जो मतलब जो बीटा अपडेट आया उसमें, जो कि नया अपडेट आया उसमें, जो कि 8.1 का अपडेट चल रहा है ओरियो का, और जो नया अपडेट है 8.6.12 का अपडेट है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कि पुराना अपडेट था उसमें जो कि उसी में आ गया था ओरियो का अपडेट। और जो स्टेबल अपडेट है रेडमी 5 में चल रहा है 10.1.2.0 का अपडेट चल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ था, पिछले हफ्ते से ही हफ्ते लॉन्च हुआ है उसके। उसमें जो है नगर का वर्जन है, मगर उसमें कोई और फीचर देखने को नहीं मिला है हमें। तो देखते हैं कि जो नया अपडेट आता है उसमें आपको ओरियो का अपडेट मिलता है नहीं, क्योंकि जो नया अपडेट आएगा उसमें ये फिक्स जरूर है कि ओरियो का अपडेट आपको जरूर मिलेगा। ये नहीं कह सकता कि जो आपका ओरियो का अपडेट होगा वो मतलब किसी और दिन आएगा, उसी दिन आएगा ओरियो का अपडेट जिस दिन वो मतलब लॉन्च होगा। तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जब अपडेट आएगा 10.1.0 का अपडेट आएगा उसी में आपको ओरियो का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ओरियो का अपडेट आने में। पहले वो बीटा में देंगे, उसके बाद देंगे आपको स्टेबल में। तो स्टेबल में देने के साथ साथ जो कि है दोस्तों आपको पता होगा, और जो स्टेबल में अपडेट आएगा दोस्तों उसमें जो कि है आपको MIUI 10 का 1.10.1.4.0 का समथिंग का अपडेट मिलेगा, साथ में उसको उसके साथ ओरियो का अपडेट मिलेगा। पोर्टेड मोड का ऑप्शन दोस्तों मुझे नहीं पता कब तक देंगे वो, हालांकि आ चुका होगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं ये। उसके बाद जो कि है फेस अनलॉक के बारे में बात करूँगा, इसमें फेस अनलॉक की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, जिस दिन कोई अनाउंसमेंट होगी उस दिन मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ओरियो का अपडेट में पहले तो दोस्तों आप MIUI 10 के लिए बोलते थे, अब MIUI 10 आ चुका है, उसके बाद आप बोल रहे हैं ओरियो का अपडेट। और एक अपडेट भी आपको जो है कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ क्या 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 है क्या नहीं है वो तो तभी पता चलेगा जब फुल्ली आ जाएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो कि ये वीडियो में इतना ही है, क्योंकि मुझे बताना था रेडमी 5 में ओरियो का अपडेट कब आएगा। वो दोस्तों आपको आएगा दिसंबर के एंड एंड तक, जब मतलब रेडमी 5A और 5 को दोनों को सेम अपडेट मिलेगा, 10.1.4.0 का अपडेट मिलेगा और उसके साथ जो कि ओरियो का अपडेट मिलेगा। और अगर आप जो कि बीटा में स्टेबल में आना चाहते तो अभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो है एक एंड्रॉयड आगे और पीछे है, क्योंकि स्टेबल में 7.1 चल रहा है और बीटा में 8.1। तो इस चक्कर में आप जो अपना फ़ोन ख़राब कर सकते हो और आइए मत, ठीक है। तो जिस दिन ओरियो का अपडेट आ गया स्टेबल में उस दिन आप आ सकते हो, इससे पहले नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में शायद इतना ही है, क्योंकि जो कि ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले ही मैंने कहा था स्टार्टिंग में। और जो कि और एक अपडेट आपको बता दिया मैंने, दिसंबर के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा और उससे पहले जनवरी से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो कि अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।